बैठा हूँ। अरे ठाकुर डोमन सिंह जी, आप यहां अचानक? स्वागत है आपका, धनभाग हमारे जो आपके चरण कमल हमारे घर द्वार पधारे। आई आई आई, भगवान कसम, फिर काहे इतना लंबा लंबा बोल के जवान खर्चा कर रहे हैं। अभी बताइए, खड़े रहे या बैठ जाए? मजाक चिकारी बहुते कर लेते हैं, आइए बैठिए, जल जल पान का प्रबंध किया जाए। अरे रहने दीजिए, हम बेटे के घर का पानी तक नहीं पीते। वैसे पूछना तो ना ही चाहिए, पर इतने अचानक? अब आना तो था ही। अब पूछिए काहे, पूछिए पूछिए, अब पूछे लो तब ना बताएंगे काहे। अचानक आप जैसा कल देखने का मन कर रहा था। अब देख, हम यहां तक आ गए और हमको यो देखना था कि हमारे अचानक आने से आप कैसे सक पकाते हैं। भगवान कसम, ऐसे सक पकाए। ये हमार मुनिया और दामाद के लिए, आपके लिए नहीं। अरे का हमार मुनिया, सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरिया, ए मुनिया, ए मुनिया, अरे चुप कहे आप लोग, बोलता कहीं नहीं। अरे कहाँ है हमार मुनिया? सिद्धेश्वरी, Oh,
छुटकी दुल्हन, ये सब का है? इका हालत बना रखे माँ जी, ये सब एलिया ऐसा हो गया है, कहा है कि हम बहुत बीमार है ना, ये बीमारी की वजह से हमको रात को नींद भी नहीं आती है। लगता है माँ जी बीमारी हमारी जान ही ले लेगी। हाय राम, मर गए। का करे हुई माँ, ओए माँ। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे बाबूजी आए हैं तुमसे मिलने। का बाबूजी आए हैं? हाय राम, कितना दिन हो गया उनसे मिले। चलिए चलते हैं। ओए माँ, नहीं 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 नहीं, हम कैसे जा सकते उनके सामने? वो लोग हमको ये हालत में देखे तो। लेकिन क्या करें अब, बाबूजी को बिना देखे रह भी तो नहीं सकते ना, है ना माँ जी? हे राम। शुक्रिया बाबूजी। अरे गोली मारिए शुक्रिया को। आप ही बताइए कि हमार बेटी सिरेश्वरी बाहर आई के नहीं? अरे हमार हवेली से बड़ा नहीं है आपका ही महल, फिर काहे इतना बकत लग रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमार मुनिया को किसी झोपड़ी सोपड़ी में? झोपड़ी में नहीं, वो बाहर वाली कोठरी में। सही बात है नू, भगवान कसम पहले तो हम ये सोचे कि ऐसा ही मजाक में बड़ा चढ़ाते बोल दिया होगा, लेकिन ये तो सचमुच में मजाक किया गया है नू। और अगर ही सच है तो आप ये नहीं सोचते कि ये हमार बिटिया की बेइज्जती नहीं बल्कि डोमन सिंह की भी है? नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी हमारी बेटी, हम तो ओकरे भलाई वाला काम कर रहे थे और ये बात हम आपको पहले बोले थे कि छुटकी दुल्हन और हमारे बेटे को एक ठो बारिश की जरूरत है, तो ए लिए हमारी मुनिया को दामुद फांसी चढ़ा दीजिएगा। अरे कोनो राजकुमारी भी नहीं पली होगी हमार मुनिया की तरह। हम उको ही घर में एलियली भी आए थे कि आप लोग उसको कौवा हकनी बना दे, जहां चाहे वहीं बंद कर दे। अरे का समझ ली हमको आप, कौनो भिकमंगा? अरे लोहा सिंह जी, जितना जायदाद संपदा आपके पास है नू, उतना तो हम जेब झाड़ेंगे तो यू ही गिर जाएगा। बात तो पता है नू कि भूला गए ई भी? बोलिए। वो सब तो ठीक है डोमन बाबू, लेकिन आपके जेब झाड़ने से आपकी बेटी का बांझपन दूर तो नहीं हो जाएगा ना? और आपकी बेटी बांझ है, माँ हमारे खानदान का कौन दोस्त नहीं है।